हेलो एवरीवन। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ चाक में लेस लगाना, जो गुम लेस होती है ना वो लगाना बताऊंगी, जो इस तरीके से ट्रायंगल लेस आती है, समोसा लेस भी बोलते हैं इसको, तो ये बताऊंगी। तो एक साइड तो मैं लगा चुकी हूँ, मैं आपको दिखा देती हूँ क्या लुक आया है इसका। तो ये देखिए, इस तरीके से गुम लेस हो जाती है अंदर। तो इसको आपको तसल्ली से लगाना है, और आप लगाओगे तसल्ली से तो बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आएगी। तो इसमें क्या किया है ये देखिए, यहाँ पे जो है हमारी हिप ख़त्म हो रही है, मतलब हिप की जो ये सिलाई है पूरी साइड की, यहाँ तक ख़त्म हो रही है। तो मैंने क्या किया है, जो हम मार्जिन लेते हैं ना चाक फोल्डिंग का, उसको मैंने क्या किया है, इस तरीके से करके प्रेस कर लिया है। जितना भी आप छोड़ते हो उसको इस तरीके से प्रेस करते हो तो इस तरीके से क्रीज लाइन बन जाएगी। तो मैंने दोनों साइडों से ये कर लिया है, तो इसकी क्या है कि एक क्रीज की लाइन बन जाएगी। आप चाहें तो चौक से भी निशान लगा सकते हैं, पर चौक से क्या होता है कि कभी वो छूट जाती है लाइन तो चौक दिखाई देती है। तो इसको हमें इस तरीके से कर लेना है। तो ये देखिए, तो ये हमारी यहाँ पे चाक ख़त्म हो रहा है, ये हमारा सीधा साइड है। तो इस तरीके से जो हम इसको कर लेंगे, और लेस को कैसे करना है, ये लेस है हमारी जैसे, और इसके जो ये ट्रायंगल है ना, आपको इस तरफ रखने कुर्ती के साइड पे, और ये उल्टा करके लेस को अभी लगाना है, और बिल्कुल ये जो हमारी लाइन है इसके ऊपर रखेंगे, बीचों बीच रखना है। मतलब जो ये वाली लाइन है ना, जो ट्रायंगल है हमारा, इधर रहना चाहिए, बाकी का हिस्सा इधर रहना चाहिए। तो ये उल्टी करके इस तरीके से रखूँगी। तो चलिए सिलाई लगा लेते हैं इसके ऊपर। जब आप सिलाई लगाएं ना, तो इसको इस तरीके से खींचते हुए सिलाई लगाएं, क्योंकि इसके भी अगर धागे खिंच जाते हैं तो ये लेस सुकड़ जाती है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे इस तरीके से रखूँगी उल्टा करके। तो ये देखिए, ये मार्जन है हमारा, और इसको इस तरीके से बिल्कुल सीधा कर लेंगे। ये हमारी लाइन है क्रीस वाली। इसको तकरीबन, ये जो हमारी चाक यहाँ पे सिलाई ख़त्म हो रही है, एक इंच ऊपर इसको मैं काट लूँगी इस तरीके से। अच्छा, यहाँ पे हमने लगा ली है, दूसरे साइड लगाने के लिए हम इस तरीके से कर लेंगे कुर्ती को, और अब जो लगाएंगे वो ऊपर से लगाएंगे। पहले हमने नीचे से लगाई थी, अब ऊपर से लगाएंगे। तो ये देखिए, ये आपको क्रीज लाइन दिख रही है ना, तो लेस तो उसी तरीके से रखेंगे, कुर्ती के साइड ही ट्रायंगल रहेगा, और उल्टा करके एक इंच ऊपर से ही हम लगाना शुरू करेंगे। तो भले इसके ऊपर, इस लेस के ऊपर ही रख लें इसको इस तरीके से, इस तरीके से। अब इसको इधर कर लें थोड़ा सा। सिर्फ इस कॉर्नर पे थोड़ा सा आप ध्यान रख लेना, थोड़ा तसल्ली से करना है बस। अब फिर से ऊपर आ जाऊंगी मैं, और यहाँ पे इस तरीके से ही रखना है। एक को हम ऊपर से करेंगे इसको, और उसको नीचे से करेंगे, बताऊंगी आपको मैं किस तरीके से करना है। इसको पहले एक बार थोड़ा सा फोल्ड करना है, फिर इसके ऊपर जो सिलाई अभी हमने लगाई थी उसी के ऊपर सिलाई लगा देंगे इस तरीके से फोल्ड करते हुए। बिल्कुल जो ट्राइंगल है ना, सिर्फ वो ही दिखाना है हमें, और उतना ही ढकना है इधर। तो जो दूसरा हिस्सा है ये वाला, इसको भी कर लेंगे, पर इसको हम नीचे से करेंगे, ये नीचे से होगा। तो ये देखिए, इस तरीके से हो गया ना। अब हम इस तरीके से ये वाला चाक पकड़ेंगे,
और इसको ऐसे फोल्ड करेंगे, मतलब ऐसे था, ऐसे करके था, तो इसको उल्टी साइड ऐसे फोल्ड करेंगे तो हमें सिर्फ ये कॉर्नर ही नज़र आएंगे। तो एक और सिलाई लगा लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए लग चुकी है, मैं इसको अच्छे से आपको दिखा देती हूँ। तो फ्रेंड्स ये देखिए इस तरीके से लग जाती है और बहुत ही चल रही है, आजकल ट्रेंड में है ये। तो दोनों साइड, एक साइड तो मैंने पहले ही लगा लिया था और एक साइड मैंने आपको अभी लगा के बताया। और बहुत ही इजी होता है लगाना, बस थोड़ा सा समझना है आपको और तसल्ली से करना है, तो बहुत ही फिनिशिंग से लग जाएगा आपका भी। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।